लेकिन सबके साथ जा रही है, लेकिन जा तो रही है। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। साई, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे रहते कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती, कोई बेघर नहीं हो सकता। तुम हो तो हम हैं, हमारी मदद करो साई। मैंने पहले ही कहा है लक्ष्मी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो है तुम्हारे हाथ में है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं खुद मोहताज हूँ, मुझे खुद किसी की मदद की जरूरत है। मैं किसी की क्या मदद करूंगी साई? अगर मदद की इच्छा हो तो मालिक जरिया भी दे देता है। ठीक हो गया चित्री, अब डरने की कोई बात नहीं है। साई ने मुझे काम सौंपा था। नाना, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? जी बताइए साईं। रेहाना के घर से कंबल लेकर नगर जाओ, वहां कपड़ा बाजार में कांजी बाऊ का घर है, उनसे जाकर मिलो। देखिए, मैं किसी साईं को नहीं जानता, माफ कीजिए मुझे निकलना है, और वैसे भी मैं किसी वजह से बहुत परेशान हूं। हाँ जी भाऊ, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर चले जाइएगा। मुझे साईं ने भेजा है और आपको ये देने के लिए कहा है। अब साईं ने कहा है, कोई तो कारण होगा। कहा ना, मैं कुछ नहीं जानता, और इस एक कंबल का मैं क्या करूंगा? मुझे तो 200 कंबल चाहिए। ना नहीं, कहां से मिलेंगे 200 कंबल? हाँ भाई, 200 कंबल। नासिक में मेरी थोक की दुकान है, एक अमीर आदमी ने मुझसे 200 कंबलों की मांग की है, उसने मुझे पेशगी भी दी है। मैंने बुनकरों से कहकर काम भी शुरू करवा दिया, लेकिन वो किसी कारणवश काम छोड़कर चले गए। समय सीमा करीब आ रही है और कंबल मेरे पास है नहीं, मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। समय पर आपूर्ति नहीं दी गई तो साख पर बट्टा लग जाएगा। मैंने बहुत इधर उधर देखा और बाजार में भी इसलिए आया कि कहीं कुछ मिल जाए। अब मैं समझा साई ने मुझे यहां क्यों भेजा। कांजी बाबू, आज दोपहर तक आपको ऐसे 200 कंबल मिल जाएंगे। सारे कंबल कांजी बाबू तक पहुंच चुके हैं और रेहाना को उनका हिस्सा भी मिल चुका है। यह है तुम्हारा हिस्सा और कर्ज के पैसे। फिर एक पहचान के सिपाही कांजू भाई का रिश्तेदार है, उसी का भिजवा दिया उन्होंने। तू जीत गई चिपरी, हमारे सारे कंबल बिक गए। अब तेरे पास इतने रुपए होंगे कि सबका कर्जा चुकाने के बाद भी ढेरों रुपए बचेंगे। तेरे सारे सपने पूरे होंगे।
तुमने? मैंने कुछ नहीं किया लक्ष्मी, सिर्फ प्यासे को कुएं तक पहुंचाया है। रेहाना और तुम्हारे पास जो था उसकी तलाश कांजी भाव को थी, मैंने तो बस रास्ता दिखाया। अपनी मेहनत की कमाई ले लो लक्ष्मी। कुछ नहीं कर सकता, अब जो है तुम्हारे हाथ में। चांदोरकर साहब, ये पैसे मुझे नहीं, ये पैसे इन अधिकारियों को दे दीजिए। इन्हें क्यों? बचना जरूरी है, इतने पैसे काफी होंगे लगान भरने के लिए। और फिर तुम क्या करोगी? इसमें कर्ज के पैसे हैं, क्या पूरी जिंदगी कर्ज ही चुकाती रहोगी? इतने लोगों के बेघर होने से अच्छा है एक औरत कर्जदार हो जाए। नहीं जिगरी, तुमने हमारे लिए इतना सोचा ये बहुत है हमारे लिए। ये पैसे तुम्हारे मेहनत के, हम तुम्हारे पैसे तुमसे नहीं ले सकते। मैं किसी को कुछ दे नहीं रही हूँ, जो मेरा है उसे बचा रही हूँ। इस बस्ती के बहुत एहसान है मुझ पर, सालों तक संभाला है इस बस्ती ने मुझे। एक विधवा माँ और बिन बाप की बच्ची का सहारा बनी रही ये बस्ती। ये बस्ती मेरे लिए मेरी दूसरी माँ समान है। मैंने खुद को यहाँ हमेशा सुरक्षित महसूस किया है, इसीलिए मैं भी इसे अभी सुरक्षित रखूंगी। उससे कहीं अधिक पाया तुम्हें, तुम अपना फर्ज निभा रही हो ना, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है तुम्हारे लिए। ये पैसे तुम रख लो, मैं कोई रास्ता निकालता हूं इन लोगों से बात करके। सब लोगों को 6 महीने की मैं मोहलत देता हूं। चल जित्री, अपने घर चल। इसे कहां ले जा रही हो? ये इस बस्ती में नहीं रह सकते, भूल गए मैंने क्या कहा था? माफ कीजिएगा सरकार, जिपरी कहीं नहीं जाएगी, वो हमारी बस्ती का गौरव है। तो मैं तुम लोगों का दाना पानी बंद कर दूंगा।
कुलकर्णी सरकार, आप एक बात भूल रहे हैं, मालिक की बनाई इस दुनिया में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितनी जरूरत इन बस्ती वालों को शिरडी वासियों की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत शिरडी वासियों को इनकी है, और इन बस्ती वालों की उतनी ही जरूरत आपको भी है। शिरडी वासियों के खेतों में बस्ती वाले काम करते हैं, उनका हर छोटा मोटा काम बस्ती वाले ही करते हैं। ये लोग शिरडी वासियों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार है। फकीर के पास हर तोड़ होता है मेरा, किंतु मैं इस फकीर को किसी भी हाल में जीतने नहीं दूंगा। मुझे चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, जितनी आर्थिक हानि उठानी पड़े, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। यदि अभी मैं पीछे हट गया तो ये बस्ती वाले और शिरडी वाले मुझे गंभीरता से नहीं लेंगे। मैं अपना आधिपत्य ऐसे समाप्त होते नहीं देख सकता। हरिओम। भ्रम में जी रहा है तू फकीर, भ्रम में। स्मरण रहे, तीन तीन गांव का मुखिया हूं मैं। इन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। कहीं से भी अपनी शिरडी के लिए जनशक्ति की व्यवस्था कर लूंगा मैं, लेकिन ध्यान में रख, इसका परिणाम इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूं, जो काम इन बस्ती वालों को दिए गए थे वो वापस लिए जा रहे हैं। हरिओम। चलो। अब हमारा क्या होगा साई? सरकार ने हमसे हमारी आमदनी का जरिया छीन लिया। हमारा घर तो बच गया, पर घर चलेगा कैसे? मुझ पर भरोसा है ना? बिल्कुल साई। तो फिर निश्चिंत रहिए आप सब। आप जिन मुसीबतों का सामना करेंगे वो अस्थाई होंगी, और जब आपको आपका काम वापस मिलेगा, आप सभी को पहले से कई ज्यादा मान सम्मान मिलेगा। साईं, एक बात बताइए, आप अभी जो हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार की दाना पानी बंद करने की धमकी ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, ये आश्वासन तो आप उस समय भी दे सकते थे जब सरकार ने हमें बहिष्कृत करने की धमकी दी थी। हमने उसी डर से झिपड़ी को जाने के लिए कहा था, क्योंकि आशा था ये लक्ष्मी के साथ साथ आप सभी की भी परीक्षा थी। आप सबको सरकार के खौफ और लक्ष्मी के लिए प्यार, दोनों में से किसी एक को चुनना था। जब तक आप डर के साथ थे, दुखी थे, लेकिन जब आपने कुलकर्णी सरकार से ये कहा कि आप लक्ष्मी को अपने साथ रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सब मानसिक रूप से किसी भी चुनौती का सामना करने का मन बना चुके थे। जब आप सच्चाई और नेकी के साथ हो गए, तो मुझे और बाकी शिरडी वालों को आपका साथ तो देना ही था। लतिका, लतिका,
बाकी लतिका तो यही थी ना, जब मैं सामान लाने गई थी कहाँ गई वो? हमने उसे नहीं देखा। फिर कहाँ गई लतिका? लतिका, लतिका। सबूरी लक्ष्मी, लतिका बिल्कुल ठीक है। सही, कहाँ है लतिका? यहाँ है लतिका। चली गई थी और आप तो यहां नहीं थे, फिर ये कहां मिली आपको? सब बताता हूं। ये क्या? क्या हुआ मेरी बच्ची? बोल। मामा, मेरी आई बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। मेरी वजह से उनकी परेशानियां और बढ़ रही है। अगर मैं ना होती तो वो खुश होती। वो मेरी वजह से अटकी पड़ी है। मैंने ऐसा उन्हें साई से कहते सुना, इसलिए मैं आई को छोड़ के यहाँ आ गई। लेकिन मैं कुएं की गहराई देख कर डर गई थी, नहीं तो मैं नहीं। बेटी नहीं, तूने गलत समझा होगा। तेरी आई का कहने का मतलब वो नहीं होगा। तेरी आई तुझसे बहुत प्यार करती है। और आप? मैं भी करता हूँ। अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो मैं, अगर मेरी फिक्र होती तो मुझे जाने नहीं देते। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि आप हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते, तो मेरे मरने से आपको क्या फर्क पड़ता है? बेटी मेरी मजबूरी समझ, मेरा अपना, मेरा अर्जित किया हुआ कुछ नहीं है। जो है सब मेरी आई का है, इसलिए तुम्हें रोक नहीं पाया। तुम लोगों की परवरिश करने का कोई माध्यम नहीं था मेरे पास, कोई साधन नहीं था मेरे पास, इसलिए साथ आया भी नहीं। मेरी आई के पास भी तो कोई साधन नहीं था, एक आप थे और आपने भी उन्हें छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, उन्होंने दिन रात मेहनत करके भूखे रहकर मेरा पेट भरा। कई दिनों तक सोई नहीं, कंबल बुनते बुनते कई बार उनके हाथ में सुई भी चुभी, लेकिन वो अपने काम में जुटी रही। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और आपने हमें छोड़ दिया, इसलिए मुझे हमेशा ऐसा लगा कि आपने कभी हमें चाहा ही नहीं है। हाँ जी, हमेशा मेरी आई को बिना गलती के डांटती थी, तब आप चुप रहते थे। आपने कभी कुछ नहीं बोला, आपने कभी हमारे आंसू नहीं पहुंचे, कभी कुछ नहीं किया हमारे लिए। हमें घर से निकाला गया फिर भी आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आज क्यों? लतिका, अभी इन बातों का समय नहीं है। तेरी आई परेशान हो रही होगी, बिना उसे बताए चलिए, चलो उसके पास। आपको मेरी आई की फिक्र नहीं हो सकती। आप मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए मुझे उनके पास ले जाना चाहते हैं ना? फिर आप वापस चले जाएंगे हमसे दूर। लतिका, वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि तू मेरे लिए बोझ है? मैंने आज तक जो भी बड़ा कदम उठाया वो तेरे भविष्य के लिए ही तो उठाया ना।
सब तेरे लिए ही तो किया। तू ना होती तो अब तक मैंने हार मान ली होती लतिका। तू ही तो मेरे जीवन की इकलौती खुशी है। दोबारा कभी ऐसा मत सोचना। भगवान का शुक्र है कि आप समय पर पहुंच गए, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। धन्यवाद तो उस आदमी का करना चाहिए जो चांदी के सिक्कों से भरी गठरी लेकर भाग रहा था। ये सिक्के साईं के हैं। क्या सबूत है? सिक्के जिसे मिले उसे कहे। सखुबाई ठीक कह रही है नाना, ये सिक्के जिसे मिले हैं उसी के हैं, यानी शशिकांत के। शशिकांत, तुम इन सिक्कों के साथ जो करना चाहते हो वो करने के लिए स्वतंत्र हो। ये लो आई सिक्के। हाँ, लेकिन इन्हें मुझे क्यों दे रहा है? चल इन्हें लेकर गांव चलते। नहीं आई, मैं नहीं आऊंगा। मैं वो करने वाला हूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेने का मन बना लिया है। मैं यही रहूंगा जिप्री और लतिका के साथ। इसी घर में जिप्री चाहे तो काम कर सकती है और मैं जल्दी से काम ढूंढ के अपने घर का सारा खर्चा उठाऊंगा। और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के उसकी आई की तरह आत्मनिर्भर बनाऊंगा। मैं अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहूंगा। अगर वो मेरे साथ है, मेरे पास है, तो मुझे इन सिक्कों की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि वो ही मेरी संपत्ति है। हाँ, ये सिक्के आप रखिए। थोड़ी देर पहले आपने कहा था आपके शिरडी आने का कुछ तो फायदा हो। मेरा तो हो गया। जिप्री, मुझे माफ कर दे, मैंने आज तक तेरा साथ नहीं दिया, लेकिन अब दूंगा। तेरे लिए, अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ करूंगा जो अच्छे पिता और पति को करना चाहिए। तू अपने आई को छोड़ रहा है,
वो भी इन लोगों के लिए। तुझे क्या लगता है इन लोगों के साथ रहकर तू यहाँ काम कर सकता है? दो दिन काम करेगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर दौड़ के चला आएगा मेरे पास। नहीं आई, इतने सालों बाद सही राह पे आया हूं, अब नहीं भटकूंगा। तू मुझे अकेला कैसे छोड़ सकता है? मैं तेरी आई हूं, कौन सा बेटा अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ता है? छोड़ा तो आपने है सखू भाई, अपने बच्चों को। आपने अपने बेटे को हमेशा मुट्ठी में रखा क्योंकि ये कुछ कमाता नहीं था। आपने अपनी बहू का सदा अपमान किया क्योंकि ये अपने साथ दहेज नहीं लाई थी। आपने तो कभी लतिका को भी प्यार से नहीं देखा क्योंकि आपको लगता था कि ये आपका वंश नहीं बढ़ाएगी। बेटियां घर में कुछ लाएंगी तो नहीं, उल्टा दहेज में लेकर ही जाएंगी। सखु भाई, आपने हर रिश्ते को सिर्फ पैसों से नापा, तो अब आपको ढेर सारा पैसा मिल गया है, चांदी के इतने सिक्के। ले जाइए इन्हें और खुश रहिए अपने घर। सखु भाई, आप हमेशा कहती थी ना कि पति की छोड़ी हुई औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता। किस्मत का खेल देखिए, जिस हाल में आप लक्ष्मी को देखना चाहती थी, आज उस मोड़ पर आप हैं। आपकी हालत आज सबसे दयनीय है। कम से कम लक्ष्मी की मदद करने के लिए लतिका तो थी। लक्ष्मी के कुछ दोस्त और शुभचिंतक तो थे साथ में, आपके साथ कौन है? नफरत और लालच ने आपको क्या दिया सखु भाई? इतने पैसे होने के बाद भी एक भी इंसान आपके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं है। मैं शुरू से ही ऐसी थी, कड़वी जुबान की, किसी को भी कुछ भी कहने वाली। मुझे पता था कि लोग मेरी सुनते हैं, कोई पलट कर जवाब नहीं देता। मेरे पति संपन्न थे, अच्छे इंसान थे, और उनकी इसी खूबी का मैंने फायदा उठाया। मुझे लगा कि अगर पैसा हो तो अपनी आवाज बुलंद की जा सकती है, इसलिए मैंने हमेशा पैसे को ही अहमियत दी, रिश्ते नातों से भी कहीं अधिक। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, मेरे पति शांति प्रिय इंसान थे। उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, मुझे शह मिलती गई। मेरी जिंदगी में वही हुआ जो मैं चाहती थी। जीवन में एक बार मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ, और वो भी मेरे पति के कारण। वो मेरे मर्जी के खिलाफ गए जब उन्होंने उनकी पसंद की बहू लाई जो मुझे पसंद नहीं थी। रात को मैं कभी नहीं भूली। एक तो मेरे मर्जी के खिलाफ बहू, दूसरे कोई दान दहेज नहीं, ना ही हमारी हैसियत की। इसलिए मैंने चाहा कि मेरा बेटा कभी अपनी पत्नी का साथ ना दे।
सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। मेरा पैसा, मेरा घर किस काम का, जब उस घर में रहने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है। यही मेरी सजा है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। मुझे खुशी है सखु भाई कि आप ये समझ गई हैं, लेकिन आपकी नासमझी, आपकी लालच और रूढ़िवादी मानसिकता के कारण एक औरत को 10 साल तक दुख झेलने पड़े। लेकिन ये फितरत सिर्फ आपकी नहीं है, कई लोगों की है जो पैसे के आगे किसी को नहीं देखते। साई, मैं वापस चली जाऊंगी, शायद उस घर में अकेले रहना ही मेरा प्रायश्चित होगा। तुझसे माफी मांगने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। शायद मुझे माफी मिलनी ही नहीं चाहिए क्योंकि मैंने तुझे कभी दिल से आशीर्वाद नहीं दिया। उस वक्त भी जब तुम विदा होके पहली बार मेरे घर आई थी, और तब भी नहीं जब तुमने मुझे पोती दी थी। लेकिन आज, आज मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देती हूँ। सुना है माँ कितनी भी बुरी हो लेकिन उसके आशीर्वाद में ताकत होती है। आज मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देती हूँ बहू, खुश रहना और मेरे परिवार को, मेरे अंश को वो सारी खुशियां देना जो मेरे घर में मैं नहीं दे सकी। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सासू भाई, आपके आशीर्वाद से हम सब खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहां हमारे साथ रह सकती हैं। नहीं छिपरी, जो पाप मैंने किए हैं उसका प्रायश्चित तो मुझे करना ही होगा ना। बस अगर हो सके तो मुझे मिलने के लिए आ जाना। साहिब, आप लगान वसूल करने के लिए आए अधिकारियों को तो जानते हैं ना, ये चांदी के सिक्के उन्हें दे दीजिएगा और इन सिक्कों से बस्ती का लगान भर दीजिएगा और बचे हुए पैसों से छिपरी का कर्ज चुका दीजिएगा। ताकि छिपरी को अपनी मेहनत की कमाई कहीं और खर्च ना करनी पड़े। पक्का? सोच लीजिए, बहुत पैसे हैं ये। आज तक मैंने कभी किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ नहीं किया, आज करना चाहती हूँ, करने दीजिए। Thank you.
जाइए, मत जाइए, मुझे आई बाबा के साथ आजी भी चाहिए। आप क्यों जा रही हैं? बेटा, मैं तुम सबके साथ रहने लायक नहीं हूँ। बेटी, मैंने जो किया है गलत किया है, इसका प्रायश्चित मुझे करना ही होगा, उसके बाद ही मैं खुशी से रह पाऊंगी। सखु भाई, आपके प्रायश्चित के कारण बेचारी लतिका दुखी हो, क्या ये ठीक है? आपने अपने सारे पैसे बस्ती के लिए दे दिए, यही आपका प्रायश्चित था। अब आप सुख से अपने परिवार के साथ यहां रह सकती हैं। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मुझे बेहद खुशी है कि तुम सब फिर से एक परिवार हो गए। लेकिन एक बात याद रखना, बात तभी बिगड़ती है जब हम कुछ करते नहीं। आग के लगते ही उस पर पानी डालना चाहिए ताकि वो बुझ जाए। अगर खड़े खड़े देखते रहे तो वो फैलेगी ही। शशिकांत, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार के लिए कमाने की नहीं है, बल्कि अपने परिवार में संतुलन बनाए रखने की भी है। पति अगर सही वक्त पे पत्नी का और सही वक्त पे आई का साथ दे, दोनों में सुसंवाद बनाए रखे, तो बात यहां तक पहुंचे ही नहीं। हर गृहस्थी में बेटे की जिम्मेदारी बड़ी होती है, क्योंकि वो पत्नी को भी प्रिय होता है और मां को भी। वो अगर विवेक से काम ले और दोनों में संतुलन बनाए रखे तो कोई भी गृहस्थी कभी न टूटे। इसीलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि वक्त आने पर मां या पत्नी का सहारा बन सको। साई, मैं हमेशा आपकी सलाह का पालन करूंगा। राम जी भला कर। शाबाश लक्ष्मी, तुमने न सिर्फ अपने आत्मसम्मान की रक्षा की है, बल्कि समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को गलत भी साबित किया है। तुमने यह साबित कर दिया है कि औरत मर्द से कम नहीं है। अगर वो कुछ करने की ठान ले तो हासिल करके रहती है। आज यहां की हर औरत
तुम जैसा बनना चाहेगी लक्ष्मी, एक आदर्श बेटी, आदर्श बहू, आदर्श मां और आदर्श नारी। तुमने एक लड़ाई तो जीत ली है लक्ष्मी, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं चाहता हूं कि तुम वो मेरे लिए करो और इन सब के लिए भी। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी सही, कुछ भी। तुम बताओ तो सही, ऐसा क्या काम है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो? सही वक्त आने पर बता दूंगा। अल्लाह माल भीवा, यही सोच रहे हो ना कि मैंने तुम सबको यहां क्यों बुलाया, वो भी एक एक मुट्ठी अनाज लेकर? जब तक बस्ती वालों की आमदनी का कोई स्थायी इलाज निकल नहीं आता, हम सब उन तक अनाज पहुंचाएंगे ताकि कोई भी बस्ती वाला भूखा ना रहे। इसलिए आज से तुम सब हर सुबह शाम यहां आकर एक एक मुट्ठी अनाज दान करोगे। जरूर साईं। साईं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा साईं? बस्ती वालों की मदद करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारी मदद कौन करेगा साईं? हमारी गली तो गंदी की गंदी रह जाएगी ना, मेरे घर के पीछे कचरा बिखरा हुआ है, तो मुझे तो बदबू से ही उल्टी आती है, उसका क्या? अगर हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं तो उन लोगों को भी हमारी मदद करने का कोई ना कोई विकल्प ढूंढना चाहिए। चलिए गंदगी को कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त कर भी लें, लेकिन खेत का काम रुका पड़ा है, अगर सही समय पर फसल की कटाई नहीं हुई तो इस नुकसान की पूर्ति हम कैसे कर पाएंगे? कई समस्याएं हैं शिरडी वालों की, इनके बारे में भी तो उन लोगों को सोचना चाहिए। ऐसे खाली बैठकर सिर्फ खाना खाए, ये शोभा देता है क्या उन्हें? नकुल, बस्ती वालों ने काम करने से कभी इनकार नहीं किया, बल्कि कुलकर्णी सरकार ने बस्ती वालों को शिरडी में काम करने से मना कर दिया है। ये बस्ती वालों की मजबूरी है, मर्जी नहीं। और खुदगर्द इंसान कभी बैठ के खाना नहीं खाना चाहता, वो मेहनत करके खाता है। ये बस्ती वालों की मेहनत का ही नतीजा है कि हम सब खुली हवा में सांस ले रहे थे, वरना तुम्हें तो बस एक रात में ही उल्टी आने लगी। वो लोग तो रोज उस बदबू को सहन करते हैं, जो काम करने से हम कतराते हैं वो लोग वो काम रोज करते हैं। नकुल, तुम जिसकी शिकायत कर रहे हो वो असल में तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। ये क्या बात हुई कि तुम्हारे घर के आसपास गंदगी है, वो गंदगी तुम्हें खल रही है, लेकिन तुम उसे साफ करने के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करोगे? क्यों कहो तो मैं आके साफ कर दूं? नहीं साईं, मेरा वो मतलब नहीं था। भूल जाओ उसे नकुल। ये बताओ, तुम कोपरगांव में नौकरी करते हो ना? जी साईं।
और सप्ताह के अंत में यहाँ आते हो? जी साईं, शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है मेरी। इसका मतलब हुआ तुम 30 दिन तो काम नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम्हें महीने के पैसे मिलते हैं, है ना? बस्ती वालों को तो कोई छुट्टी भी नहीं मिलती, क्या उन्हें हक नहीं है थोड़ा आराम करने का? क्या उनकी जरूरत के समय हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए नकुल? मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैं स्वार्थी हो गया था। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम उनकी मदद करेंगे, हम उन्हें दान में अनाज देंगे। तो चलो बस्ती वालों के लिए अनाज इकट्ठा करते हैं। जी सही। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है, झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा साई, क्या तुम्हें लगता है कि इससे पूरी बस्ती का पेट भरेगा? लक्ष्मी, जब इरादे नेकी के हो तो मालिक हर कमी पूरी कर देता है। साई, ले चलो इसे। जी सर। क्या हुआ चंदू? फुटाते समय तो हल्का था, अब अचानक भारी कैसे लग रहा है? मुझे भी भारी लगा। काफी होगा ना? तुम सब चिंता मत करो, ये मुश्किल के दिन भी कट जाएंगे। जो सफर हाथ से हाथ मिलाकर किया जाता है वो मंजिल तक पहुंचाता ही है, बस जो हाथ छोड़ देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। कल से हमारे खेतों की कटाई शुरू हो रही है और उसके लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी, यह पहले क्यों नहीं बताया? हमें मुंह खोलने का मौका ही खा दिया आपने सरकार, नाव देकर नाओ फरमान जारी कर दिया। हाँ सरकार, आपने तो अपना पांव स्वयं कुल्हाड़ी पे मार लिया सरकार।
जरा सोचिए सरकार, सबसे बड़े खेत वो तो आपके हैं ना, और सबसे ज्यादा फसल वो भी आप ही की है, और सबसे ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता वो भी तो आप ही को पड़ेगी सरकार, और सबसे ज्यादा नुकसान वो भी आप ही का होगा ना सरकार। लेकिन मैंने जब फरमान जारी किया तब ये भी कहा था कि हम दूसरे गांव के श्रमिकों को काम पे लगा देंगे। जाओ दूसरे गांव के श्रमिकों को लेकर आओ। लेकिन वहां पर भी कटाई चल रही है सरकार। हाँ सरकार। तो तुम लोग फसल काटो, नहीं तो दूसरा कोई विकल्प ढूंढो। यदि सब कुछ मुझे ही बताना है तो तुम क्या केवल खाने के योग्य बच्चे हो? संता जी। हाँ संता जी, आपस के गांव में इस समय हमें कोई मजदूर नहीं मिलेगा। कोई आने के लिए राजी तभी होगा जब हम लोगों ने दुगना पैसा दे। सरकार देंगे नहीं ना, अपनी गलती मानेंगे। पर से अगर सही समय पर फसल काटी नहीं गई तो जो नुकसान होगा उसकी सजा हमें ही देंगे। सच कह रहा था वो फकीर, जरूरत तो हमें भी है उन वस्तु वालों की। अब हम क्या करें? राम जी भला करें। पार्वती वहिनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। जैसे ही शिरडी पहुंची आप सबसे मिलने चली आई। यमुना के घर सब कुशल मंगल? जी साईं, सब ठीक है। आओ ना। कैसी हो? तेरे पति आज पहली बार काम ढूंढने गए हैं ना? भगवान करे सफलता मिले। काम मिलना जरूरी, सफलता जब किस्मत में होगी मिल ही जाएगी। फल की इच्छा छोड़कर काम करना चाहिए, और काम छोटा है या बड़ा ये नहीं देखना चाहिए, ऐसा कह के उन्हें रवाना किया है। बस काम की शुरुआत होना जरूरी है। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, क्या हम सब द्वारका माई के आंगन में खेल सकते हैं? हाँ जरूर खेलो। रुको, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ खेलने। आज हम लोग लंगड़ी खेलेंगे, मैं तुम सबको पकड़ती हूँ। चलो 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 चलो। ऐसे लग रहा है जैसे बचपन की झिपरी वापस आ गई है, हमेशा खुश रहने वाली, और उसकी ऊर्जा, उसकी चुस्ती फुर्ती और हुनर तो बेमिसाल। पता है आज झिपरी मुझसे मिलने घर आई थी, मेरी एक टोकरी टूटी हुई थी तो उसने मुझसे बात करते खड़े खड़े वो टोकरी बुन दी। सच में कितना कुछ जानती है झिपरी, किसी भी हालत से, किसी भी परिस्थिति से खुद को कैसे उबारा जाए, ये कला है उसमें। सच में ऐसी एक झिपरी हर गांव में होनी चाहिए, जिससे कि लोग प्रेरणा ले सके, अपने जीवन में कुछ कर सके। तात्या, केशव, एक काम कर, अपने एक दो दोस्तों को साथ लेकर तुरंत गांव में जाओ और हर घर में जाकर कह दो कि आज सांझ शिरडी के किसी भी घर में दिया नहीं जलेगा। शिरडी का हर घर आज बिना रोशनी के रहेगा।
लेकिन साई, लोग अंधेरे में कैसे रहेंगे? रेहाना, अगर जिंदगी भर की रोशनी के लिए कुछ देर का अंधेरा सहना पड़े तो क्यों नहीं रह सकते? केशव, तात्या, जल्दी जाओ। उद्धव, अब्दुल, तुम दोनों भी इनके साथ जाओ और सांझ होने से पहले सबको बता दो। साई, सब तो मान भी जाए लेकिन मेरे पिताजी नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं केशव, जो माने वो अपना, जो ना माने वो भी अपना। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। कुछ तो कारण बताया होगा साई ने। कारण तो नहीं बताया, ठीक है, साई की आज्ञा सर आंखों पर। वो तो ठीक है, पर मेरी बेटी बेला अंधेरे से बहुत डरती, और अगर एक भी दिया नहीं होगा तो वो तो रह नहीं पाएगी। मैं समझता हूँ भाव, लेकिन साई की यही आज्ञा है। सारी परेशानी एक साथ आनी थी। कुलकर्णी सरकार के आदेश की वजह से मैं पहले परेशान, बापू साहब जोग के लिए एक और कमरा बनाना है, लेकिन मजदूर है कि मिल ही नहीं रहे। दूसरी परेशानी ये है कि रेणु भी अपने मायके गई है। साफ सफाई से लेकर घर के बाकी कामों की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है, और अभी अंधेरे वाली बात, कैसे काम चलेगा? आखिर साई ने ऐसा क्यों कहा हो? काशीनाथ जी, साई कभी किसी को कष्ट नहीं देता है। अगर आज उन्होंने अंधेरे की मांग की है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ना। लेकिन ऐसा कौन सा कारण हो सकता है? थोड़ी देर में साई का प्रवचन शुरू हो जाएगा, आप वहीं आकर साई से वजह पूछ लीजिएगा। हम तो बस सबको बता रहे हैं। आप सभी अंधेरे से हैरान थे ना? मैंने दिया जला दिया है, अब पूरे गांव में रोशनी हो जाएगी। साई, हम कुछ समझे नहीं, इस एक दिए को जलाने से हर घर में रोशनी कैसे आ जाएगी? नहीं होगी जी साई, नहीं होगी। तो हर घर में रोशनी कैसे होगी? उसके लिए तो हर घर में दिया जलाना होगा। तात्या, क्या ये सही है? जी साई। तो फिर एक झिपरी के होने से पूरे गांव का विकास कैसे हो सकता है? उसके लिए तो घर घर में एक झिपरी तैयार करनी होगी। ऐसी एक झिपरी हर गांव में होनी चाहिए जिससे कि लोग प्रेरणा ले सके, अपने जीवन में कुछ कर सके। आप सब लक्ष्मी के हौसले, इसके हुनर को सराहते हैं, इसकी सफलता की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ये गांव की प्रेरणा है, गौरव है। लेकिन क्या सिर्फ एक लक्ष्मी पर्याप्त है?
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्मी ने जो भी किया वो विवश होकर किया। हालात ऐसे हो गए थे कि लक्ष्मी को अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए मजबूरन काम करना पड़ा। ऐसे हालात किसी के भी साथ हो सकते हैं और इसीलिए शिरडी की हर विवाहित महिला को स्वावलंबी होना होगा। साईं, विचार अच्छा है लेकिन ये होगा कैसे? बाईजामा, इसकी शुरुआत लक्ष्मी ने की है तो यही पाठ पढ़ाएगी, यही राह दिखाएगी।